थे, दो दो घंटा क्लास कराते थे। तो हमारे पास ऐसा ऐसा टीचर है कि जो अपने परवाह नहीं करते हैं, अगर बच्चा उत्तम हो, अगर बच्चा संघर्ष करना चाहे तो हमारे टीचर जो है जी जान लगा के भी बेहतर करने के लिए लग जाते हैं। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे को हर समय बेहतर संस्कार और बेहतर टीचर के साथ आपके बच्चा को नॉलेज बढ़ाते रहें। हमारे से जो भी हो सकता है, उससे जितना हमसे बेहतर हो सकता है, हम बेहतर टीचर को लाएंगे, बेहतर संस्था को बनाएंगे और आपके बच्चे में इस एरिया में हम ऐसे संस्था का निर्माण करेंगे जहाँ पे न केवल आपके बच्चों को रिजल्ट दिया जाएगा बल्कि आपके बच्चे में संस्कार भी बिल्डअप कराया जाएगा, आपके बच्चे में सही मार्ग चुनने का दिमाग भी डेवलप किया जाएगा, ना कि केवल आपके बच्चे पर बोझ डाल दे कि नहीं पढ़ना होगा, मारेंगे फौरन। मारते तो हैं लेकिन बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि हमें भी ऐसा दिल नहीं करता है कि हम मारें, क्योंकि हमारे अंदर भी वही दिल है जो आप लोग के अंदर है। तो हमें भी मारा आता है लेकिन हम एक टीचर है, गुरु है, ये दिल को कठोर रखना पड़ता है ताकि आने वाला भविष्य में बच्चे जो है बेहतर बन सके, संस्कारी बन सके। उसके लिए जो है सही समय पर अगर ना दिया जाइए, कठोर ना माना जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो हर समय पर कठोर टीचर को होना ही पड़ता है, नहीं तो अगर टीचर कठोर नहीं है तो बच्चा उनका बात नहीं मानेगा, और बात नहीं बात मानता है तो टीचर का बात नहीं माना तो पेरेंट्स का बात नहीं मानेगा, और पेरेंट्स का बात नहीं माना तो कुल मिला के स्वाहा बर्बाद हो जाएगा। तो हम जो है ये आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर करेंगे और संस्कार भी डेवलप करेंगे। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप बोलेंगे अभी, लेकिन अभी कितना सारा प्रोग्राम बचा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं भाग लिए हुए हैं जो कि आपको बहुत सारे सीख देने वाले हैं। तो हम अगले बच्चा को इन्वाइट करते हैं, थोड़ा देर के लिए जो है हम जो है अपने माइक को रोकते हैं, फिर आशा पढ़ने पर हम जो है बोलेंगे। लेकिन हमारे बच्चे जो है इतना जेजा लगा के मेहनत किया है तो उनका भी प्रदर्शन देखने के लिए हम लोग आतुर हैं। आप लोग भी चाहेंगे कि बच्चे लोग मेहनत किए हैं तो प्रदर्शन करना उचित है और उनका प्रदर्शन देखें। अब हमारे बीच प्यारी छोटी सी क्यूट बच्ची आ रही है जो कि बहुत ही क्यूट है और बेहतर कविता के साथ प्रस्तुत होने वाली है। तो मोस्ट वेलकम पंखुरी। इनका नाम में ही जो है खुशियां बिखेर देता है, इनका नाम है, नाम ही है पंखुरी, यानी खुशियां जो है पूरा बिखेर देती है। आइए आप देते हमको शिक्षा, फिर लेते हमको परीक्षा, गलती करे तो हमें समझाते, हम रो तो हमें हंसाते, माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हैं इसे महान, ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो, विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे उन्हें प्रणाम करें। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, इसके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तो हमारे बीच डांस प्रोग्राम लेके आने वाली है, बहुत ही अच्छे से डांस प्रोग्राम करेंगे, आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा, वो इंतजार अब खत्म ही होने वाला है क्योंकि ये डांस प्रोग्राम बहुत ही बेहतर होने वाला है और बहुत ही प्यारी प्यारी बच्ची लोग जो है यहाँ पे आएंगे और अपना प्रदर्शन देंगे। पानी
मोस्ट वेलकम अन एनर्जेटिक पंखुड़ी पुष्पांजलि और आदिति डांस। इनके लिए सभी लोग जोरदार ताली से इसका हौसला बढ़ाओगे। विराम करते हैं। पहले जो है चंदा ने पूछा तारों से, प्रज्ञा, पंखुड़ी, आदिति, इन तीनों को बुलाना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम प्रज्ञा, पंखुड़ी, आदिति। चंदा ने पूछा तारों से सॉन्ग लगाएंगे। चंदा ने पूछा तारों से सॉन्ग लगाएंगे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से।
ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चों का काफी ज्यादा लगातार प्रदर्शन रहा, इसके लिए सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। यहाँ पे जो ट्रॉफी रखा हुआ है उसमें 12 वाला एक दिख रहा है, तो ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि ये जो है ट्रॉफी किसे मिलेगा, और ये जो है प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जिसका 72 होगा उसी को मिलेगा। और जैसा कि हमने बताए हैं कि कुछ जो है सीक्रेट है, और वो जो है हम जो सीक्रेट जो है लास्ट में ही बताएंगे, सरप्राइज। और वो सरप्राइज जो है काफी ज्यादा चौंका देने वाला सरप्राइज है, तो आप लोग थोड़ा सबर करेंगे, वो सरप्राइज हम जल्द ही बताएंगे और जल्द ही उसका मतलब क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम को आगे की ओर बढ़ाते हैं, एक बात बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो है रक्षाबंधन का प्रोग्राम मनाया गया था, सब लोग को पता है ना, पता ही होगा सभी लोग को, रक्षाबंधन का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया था। और ये जो है रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच का रिश्ता निभाने
निभाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन हम लोग तो टीचर है, ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग का कोई न कोई एक उद्देश्य होगा जिसके कारण हम लोग किए हैं, और यकीनन जो है कुछ न कुछ हम लोग का उद्देश्य है, और हम चाहेंगे कि ये उद्देश्य क्या है ये आप लोग भी जानें। तो हम बताएं, क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हो? यस या नो? हेलो। चलिए, आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार हो, इतना है उत्साहित हो, तो हम बताएं देते हैं। हम बता दें कि हम टीचर डे या रक्षाबंधन इसलिए नहीं मनाते हैं कि इसमें मेरा शॉर्ट है, क्योंकि हम ये क्लियर कर देते हैं कि टीचर डे में आज जो केक आया है, अगर हम चाहे तो रोज अपना बर्थडे मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम ये चाहे तो रोज जो है मिठाई जो है होटल में जाके एक एक केजी खा सकते हैं। ना हमारा ये शौक था कि रक्षाबंधन मिठाई खाने के लिए मनाए, और न ही हमारा ये अति था कि हाथ में जो है इतना सारा राखी दिखा। अगर हम चाहते तो राखी जो है खुद से दुकान सौ जो है खरीद के बांध लेते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। क्या वहाँ के लोग पता चलता है कि मतलब ये खुद से बना है या बनवाया? नहीं। लेकिन हम लोग का कुछ मकसद है, हम एक जो है बात क्लियर करना चाहेंगे कि आज कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर हम विचार ले जाना चाहेंगे कि वो अन्याय क्यों हुआ है, और जो है यहाँ मुजफ्फरपुर में जो है रेप केस चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है बहुत जगह ये ऐसा केस चलता है। तो क्या आप बताएंगे कि जो बच्चे बिगड़ गए हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा दुस्साहित काम करने के लिए जो है, क्या बताएंगे ये क्यों होता है? क्या कोई भी बच्चे जन्म से ही बुरा या अच्छा होते हैं? क्या जन्म से कोई बच्चे बुरा या अच्छे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। जन्म से तो कोई भी ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उसे अच्छा बनाया जाता है या उसे बुरा बनाया जाता है। और अच्छे बनाने के लिए कठिन परिश्रम चाहिए, बुरा बनाने के लिए कोई परिश्रम नहीं चाहिए। जैसा कि हम थोड़ा देर पहले भी एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपको फसल चाहिए तो फसल का बीज बोना पड़ेगा, लेकिन जंगल चाहिए तो बोना नहीं पड़ेगा, वो खुद बाय खुद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके बच्चे बेहतर बने तो आपको जो है बनाना पड़ेगा, ये बनेगा नहीं। उसी प्रकार जो वो बच्चे जो बिगड़ गए हैं, जो मतलब ऐसा कर्म करते हैं, वो जो है उनके माता पिता चाहे उनके टीचर जो है केवल ज्ञान दिए होंगे और जो है संस्कार नहीं दिए होंगे, तभी ऐसा होता है। लेकिन हम लोग जो है ये पूरा प्रयास करते हैं कि लड़की लोग जो है इसका जो है उचित ढंग से जो है सम्मान दिया जाए, क्योंकि कोई बच्चे को अगर बचपन में ही सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि लड़की का सम्मान करना चाहिए, लड़की जो होती है नारायणी होती है, इसे इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि वो दुस्साहसी बन जाए, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि वो इतना बड़ा गलत कांड करे। वही बच्चा आगे चल के बड़ा होता है और खराब बनता है जो बच्चे को संस्कार नहीं दिया जाता है। अगर बच्चे को संस्कार बेहतर दिया जाए तो वो बच्चा कभी नहीं खराब होगा, और ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि बच्चे को अगर संस्कार दिया जाएगा तो वो बच्चे बेहतर होंगे, और नहीं दिया जाएगा तो वैसा ही खराब दुस्साहसी जो समाज जो है उसको हीन भाव से देखता है, वैसा ही आपके बच्चे बन जाएंगे। इसीलिए आपको जो है उचित ढंग से शिक्षा देना चाहिए। हम अपने बच्चे को ऐसा शिक्षा देने के साथ साथ हम ये रक्षाबंधन इसलिए मनाए हैं ताकि हमारे यहाँ जो लड़की लोग आती है किसी पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी लड़की है उससे कोई दुस्साहस करने का सोचता भी है ना, तो मेरा नाम याद आता है, ये जो है भाई राखी बनवाया है, ये तो छोड़ेगा नहीं। ये जो कितना खुंखारा से जाने में करता है लोग, ये जो है अपना क्लास में बच्चा को नहीं छोड़ता है, अगर हम कुछ किए तो ये
जो छोरे का है। आज हम एक बात बता दें कि लड़का लोगों में होता क्या है, अगर दो दोस्त है और किसी कारण से दोस्ती अगर टूट जाता है, लेकिन अगर अन्य लोग आता है उसे झगड़ने के लिए, अगर कोई दूसरा लोग आता है, कहीं दूसरा गांव से आता है उसे लड़ने के लिए, तो हम बता दें कि वही दोस्त जो दुश्मन था कहेगा चलो भाई फरियाद लेंगे, चलो केरंगा, चलो कहाँ, चलो फरियाद लेंगे, चलते हैं। चले जाता है लड़का लोग, कोई फट्ठा लेगा, कोई पेड़ उठा लेगा, जो मिलेगा वो उठाएगा और सब फौज लेके चले जाएगा, 50-60 लोग का फौज तुरंत बन जाएगा। लड़की लोग में होता यह है कि एक के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो दूसरा नहीं बोलेगी, अगर एक के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है तो दूसरा नहीं बोलेगी, ये होता है। अगर एक के साथ जो है कोई गलत व्यवहार प्रदर्शित करता है तो दूसरा नहीं बोलेगी। अगर एक लड़की को अगर सपोर्ट करती है सभी लड़की, तो कभी ऐसा नहीं होगा। अगर लड़की जो है अगर साहस उसमें आ जाता है, बिल्डअप आ जाता है, तो उसे कभी कोई दुस्साहस नहीं करेगा। लड़की लोग खुद भाव देते रहती है, अगर वो अगर उसके पीछे कोई आता है और वो अगर रुक के बोलता है भागा कि नहीं भागा, तो वो क्या उसके पीछे लगेगा? यकीनन नहीं लगेगा। लेकिन लड़की लोग खुद भाव देती है और उस जाल में फंस जाती है, आजीवन बर्बाद कर लेती है, खुद ऐसा गलती करती है। अब बाद में रोते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला, बाद में रोते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला। यह एक आदमी का बात बोल है, एक लड़की अगर ऐसा रोके करती है तो मतलब वो लड़का के पास इतना हिम्मत नहीं आएगा जैसे मतलब फिर से वो जो है दोबारा उसके पीछे जाए। वो लड़का जो है कभी भी उसे देखेगा ना तो नजर झुका के निकल जाएगा। ये हम बता रहे हैं, ये जो है 100% ये सत्य बात है। अगर लड़की लोग संगठित हो जाती है तो अभी तक ऐसा वो दिन नहीं देखने को मिलेगा कि लड़की लोग पर कोई अत्याचार करे। आज लड़की लोग को पढ़ने के लिए आजादी तो दिया जाता है, लेकिन अगर लड़की लोग गलत कर देती है तो सभी का आजादी रोक दिया जाता है। अगर एक लड़की गलती करती है तो सभी का आजादी रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरा खराब हो रहा है, दूसरा गार्जियन जो अपने बच्चे को नहीं संभाले जिसके कारण खराब हुआ है, उसी प्रकार जो है आप भी नहीं संभाल सकते, इसलिए आप जो है वैसा नहीं करने देते हैं। और आप जो है भले ही बहाना उसका बनाए, लेकिन आप जो है अपने जिम्मेदारी से दूर भागते जाते हैं, आप अपने जिम्मेदारी को हटा देते हैं, निभाना नहीं चाहते हैं। अगर आप अगर निभाना चाहें तो आप उसको बढ़ाई ना छोड़वा कर आप ये बताते हैं कि वो जो है ऐसा गलती की है, अगर तुम करोगे तो ऐसा जिंदगी हो जाएगा, अगर तुम करोगे तो ये जो है नर्क में जाओगे, ऐसा करोगे। आज तक की कोई भी ऐसा सक्सेसफुली किसी का ऐसा जो हुआ है मतलब ठीक हो, आज तक जो भी ऐसा दुस्साहस गलती किया है कहीं ना कहीं जो है बाद में गांव समाज जो तारा है उसको जो है माता पिता को मतलब कुछ डायलॉग नहीं करता है, वो जाता है उनके गार्जियन चौक पर चाहे कहीं भी जाता है तो उसे जो है तीन भाव से देखा जाता है कि किसी की बेटी जो है ऐसा हो गई है, यही बोला जाता है ना कि इसी की बेटी है, जब लड़का ही हो तो इसी का लड़का है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो है अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, दूसरा के देख के आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो समझता है कि अगर हम अपने बच्चा को उत्तम बनाने का प्रयास करें, अगर हम अपने बच्चे में अगर संस्कार बिल्डअप करें तो हमारे बच्चे कभी नहीं गलत करेंगे। लेकिन आप ऐसा ना करके उसे पढ़ाई से रोक देते हैं, उसे पढ़ने नहीं देते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, आजादी रोक देते हैं। किसी भी पक्षी को सोना के पिंजरे में कहे ना डाल दो, उसे जो है खुशी नहीं मिलेगा जो उसे आजादी में मिलता है, कोई भी हो। यही गलती अगर लड़का करे तो उसे दो चार दिन सुन के बुला दिया जाता है, लेकिन अगर लड़की करे तो उसे बताया नहीं जाता, बस बंद हो जाओ, पैक हो जाओ। और उसके बाद जो है उसे अगर सुधारने का इच्छा भी आया तो बस उसे रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये समाज जो है अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, इसलिए अगर वो अपना कर्तव्य निभाते तो वो भेजाते, फिर से पढ़ने के लिए भेजाते कि हाँ भाई पढ़ लो,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो है गलत है, ऐसा करोगे तो ये दिक्कत है। तो यकीन है वो बच्चे समझ जाएंगे। आप जो आज तक आप ही के मार्ग, आप जो मार्ग दिखाएंगे वही मार्ग पर चलेगा। टीचर तो बाद में आते हैं, टीचर जो है बाद में आते हैं, पहले तो आप उसे संस्कार सिखाते हैं, क्योंकि आपके पास जो है पूरा दुनिया के मुकाबले में आप उसे 9 महीना पहले से जानते हैं, अपने पेट में रखते हैं, 9 महीना पहले से जानते हैं। आप उसे 6 साल के बाद किसी स्कूल में दाखिला करवाते हैं, उससे पहले आप संस्कार दे रहे होते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कॉलेज स्कूल में जाता है फिर भी आप ही का संस्कार सीखेगा, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही करेगा। तो आप लोग जो है अपने कर्तव्य से भागिए नहीं, आप लोग जो है ये समझिए कि अपने बच्चा में जो है डेवलप किया जाए, ना कि उसे आजादी रोका जाए। और इसी पर एक नाटक है जो है बुला रहे हैं, तो तैयार है नाटक के लिए म्यूजिक। तो नाटक जो लोग दिए हुए हो आ जाओगे। आप इतने परेशान क्यों दिखा देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है, और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बाबू, लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यू बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा, ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो बापू। मत छोड़ी? नहीं बापू, नहीं बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आँखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है, उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माता तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माताओ, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है।
और बुखार भी उतर गया है, है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खुल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपना आपको इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन, ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी, मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है, याद है ना अपना एहसान जो बचपन में
तुमने मुझ पर किया था? मैंने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा। मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ। मेरी बेटी लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी।